लिसनर्स, नारी का सम्मान हम हमेशा करते हैं, हमें करना भी चाहिए। इसीलिए नारी को सम्मान देते हुए आज हम बात कर रहे हैं उनकी डाइट के बारे में। आज का जो विषय हमने लिया है वो है हेल्दी ईटिंग इन वुमेन, महिलाओं को क्यों जरूरी है पौष्टिक खाना खाना और कितना ये फायदेमंद होता है, इन सभी बातों पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि हेल्दी ईटिंग क्यों जरूरी है। देखिए, हमारा शरीर जो है एक मशीन की तरह है। आप एक मशीन को चलाने के लिए उसमें पेट्रोल डालते हैं, उसमें ऑयल डालते हैं, तो ऐसे ही ये मशीन तभी चलेगी, शरीर की मशीन तभी चलेगी जब इसमें खाना जाएगा। जी जी। क्योंकि सारी ऊर्जा जो हमारे शरीर को काम करने के लिए मिल रही है वो खाने के रूप में मिल रही है। जी। तो क्या आप खा रहे हैं वो बहुत जरूरी है कि आपको एक तो पहली बात की एडिक्वेट एनर्जी मिले कि आप पूरा दिन काम कर सके। जी। उसके बाद जो आप खाते हैं उसका असर सीधा जाता है कि आपकी सेहत कैसी रहती है, आपको कोई बीमारियां हैं या नहीं है। जी। तो आई थिंक हेल्दी ईटिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो हम काम कर पाएंगे, तभी तो हम कोई आउटपुट दे पाएंगे, हम अपने ख्वाबों को पूरा कर पाएंगे। अगर हमारे शरीर में एनर्जी नहीं है, हम बीमार हैं, तो हम कुछ भी काम सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। जी जी। मैम, आपने बहुत सही बात बोली। जैसे आपने पेट्रोल की बात की कि जैसे गाड़ी को पेट्रोल चाहिए होता है, उसी प्रकार एक शरीर को भी पेट्रोल चाहिए होता है खाने के तौर पे। तो मैम, अगर हम देखें पहले के मुकाबले, हम देखें पहले एक अच्छा पौष्टिक खाना लोग खाते थे, तो इसीलिए उनकी लाइफ जो थी वो बहुत लंबी होती थी और एक वो हेल्दी लाइफ जीते थे। उस टाइम पे जंक फूड नहीं थे, फास्ट फूड नहीं थे। आज हम देखते हैं कि जंक फूड इतना ज़्यादा हो गया है, क्योंकि आई थिंक वो भी एक कहीं ना कहीं कारण है कि आजकल हम इतने ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं, बहुत जो हमें प्रॉब्लम्स जो हैं बहुत ज़्यादा हमारी बढ़ती जा रही है। देखिए, मुझे लगता है हम जितना नेचर के पास रहेंगे जी, हम उतने हेल्दी रहेंगे। चाहे उसमें हम खाने की बात करें, चाहे उसमें एक हेल्दी एनवायरनमेंट में, अब पोल्यूशन क्यों हमारी हेल्थ के लिए इतनी खराब है, क्योंकि हम नेचर से दूर जा रहे हैं। जी। वही आप पहाड़ों में जाके एक हफ्ता लगाते हैं तो आप इतना फ्रेश फील करते हैं वहाँ से वापस आकर। तो ऐसे ही आप जितना नेचर के पास फूड के माध्यम से रहेंगे, खाने के माध्यम से रहेंगे, उतनी आपकी सेहत अच्छी रहेगी। जितना आप पैकेज्ड फूड से, फास्ट फूड से, कोल्ड ड्रिंक्स से, बॉटल्ड स्टफ से दूर रहेंगे, उतनी आपकी सेहत अच्छी रहेगी। जी। आजकल मैम टेक्नोलॉजी भी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, जैसे पहले लोग ज़्यादा छोटे एरियाज में ज़्यादा रहना पसंद करते थे, लेकिन आजकल हर इंसान मेट्रो सिटीज़ की तरफ भाग रहा है। लेकिन आई थिंक वो ज़रूरी भी है आज के टाइम में, लेकिन आई थिंक उसके साथ साथ उनको अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, आजकल मुझे लगता है हमारे पास हर चीज़ के लिए समय है जी, पर अपनी सेहत के लिए, अपने लिए समय नहीं है। जी। और ये मैं बात स्पेशली कामकाजी महिलाओं के लिए बोलूँगी जी, कि वो काम में भी पूरी अपनी एनर्जी लगाती हैं, घर को भी बहुत अच्छे से संभालती हैं, अपने पति को, अपने बच्चों को, अगर उनके सास ससुर साथ में रह रहे हैं, सबको समय देती हैं। पर जहाँ पर अपनी सेहत की बात आती है तो वो टाइम कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, जहाँ पे हमारे को अपने लिए थोड़ा समय निकालना। जी जी। तो मुझे लगता है महिलाओं को इस चीज के बारे में जागरूक होना चाहिए कि एक महिला खुद स्वस्थ रहेगी तभी अपने परिवार को, काम को संभाल पाएगी। जी जी। आई थिंक मैम, जैसे हम बोलते भी हैं, अगर मान लीजिए एक फैमिली में एक महिला है, वो अगर पूरा परिवार ही बीमार क्यों ना हो जाए, वो सबका ध्यान रख लेती है, लेकिन अगर वो अकेले बीमार पड़ जाए तो सबके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, सारा घर उल्टा हो जाता है महिला के बीमार पड़ने से। जी जी। तो आई थिंक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं। और एक चीज और, जैसे मैम कामकाजी महिलाओं की आपने बात की, देखिए हम पैसा कमाते हैं वो बहुत जरूरी भी है आज के वक्त में, लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो नौबत ना आए कि जो पैसा आप कमा रहे हैं वो आने वाले समय में आपकी बीमारियों पर ही ना लगे। तो आई थिंक वो भी एक अच्छी जगह लगना चाहिए। हम चाहेंगे कि वो जो पैसे हैं वो आपकी हेल्थ पे लगे, अच्छे खाने की तरफ आप उसको यूज करें, कि आपने अपने अच्छे खाने के लिए आपने उन पैसों को यूज किया है। आई थिंक ये भी बहुत जरूरी चीजें हैं, क्योंकि बहुत एसेंशियल है इस चीज को सोचना जी, और हेल्दी ईटिंग को वे ऑफ लाइफ बनाना चाहिए जी। ये नहीं कि आज मैंने सोचा कि आज मैं बहुत हेल्दी खाऊंगी जी, वो हमारे वे ऑफ लाइफ होनी चाहिए। जंक फूड एंड ऑल वो हम कभी फॉर अ चेंज शायद कर सकते हैं जी जी, बट नॉर्मल लिविंग में हमारी लाइफस्टाइल ही ऐसा बनाना चाहिए कि हम एक्सरसाइज और हेल्दी लिविंग को पार्ट ऑफ लाइफ बनाएं। जी, आई थिंक वो ये जो आपने बात बोली मैम, जैसे कि एक हेल्दी डाइट वाली आपने बात बोली, कि आई थिंक होना ये चाहिए कि मान लीजिए अगर महीने में एक दिन, एक दो दिन आपका मन कर गया है, तो उस दिन आप बोल सकते हैं कि चलो आज हम बाहर का खाना खा लेते हैं, लेकिन ये वाला नौबत नहीं आनी चाहिए कि चलो आज हम घर का खाना खा लेते हैं। तो आई थिंक ये बहुत डिफरेंस है। वहीं पे मुझे लगता है पूर्व वही बात आती है कि क्योंकि आजकल सब महिलाएं कामकाजी हो रही हैं, तो समय एक बहुत कीमती चीज हो गई है जी जी, और कन्वीनियंस
जो जंक फूड है या पैकेज्ड फूड है, दैट गिव्स कन्वीनियंस। मगर अगर हम थोड़ी सी प्लानिंग के साथ चलें तो हम घर पे बहुत अच्छा स्वाद पौष्टिक खाना बना सकते हैं। जी जी, आई थिंक यहीं पे मैम फिर वही बात आ जाती है कि हमें टाइम मैनेजमेंट अपना अच्छा करना होगा। अगर हम चाहते हैं हम हेल्दी हों, वो तो हर इंसान चाहता है, लेकिन हम आलस की वजह से बहुत बार बहुत सारी चीज़ें इग्नोर कर जाते हैं। देखिए दोस्तों, और खास करके हम महिलाओं को कहना चाहेंगे, आप देश का भविष्य हैं, आपकी आने वाली जनरेशन देश का भविष्य है। अगर आप चाहते हैं आपका परिवार, आप खुद भी स्वस्थ रहें, तो आपको अपने आप को एक हेल्दी डाइट के साथ बांधना होगा, एक फिजिकल एक्सरसाइज के साथ भी आपको बांधना होगा। तो अगर बात करें मैम एक पर्टिकुलर खाने के बारे में कि महिलाओं के लिए अगर हम ज्यादा फोकस करें, तो ऐसी कौन कौन सी फूड आइटम्स हैं, कौन कौन से खाना है जो महिलाओं को लेना ही चाहिए? देखिए मैं कुछ चीजें आपसे शेयर करना चाहूंगी। जैसे विमेन, हर महीने ब्लड लॉस हो रहा है विमेन में बिकॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन जी, उसको हीमोग्लोबिन जो हमारा है उसको एडिक्वेट रखने के लिए हमें आयरन जी बहुत ज़रूरी मात्रा में विमेन को लेना चाहिए जी। जिसके सोर्सेज हरी पत्ते वाली सब्जियां और ऐसी चीज़ दालें जो साबुत दालें हैं जी, देन आपके नॉन वेज जो लोग खाते हैं उसमें एग्स मीट ये आप ले सकते हैं, देन पम्पकिन सीड्स एक हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, उसमें भी आयरन है, आप वो अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं जी। थोड़े से नट्स, ड्राई फ्रूट्स जिसको हम बोलते हैं जी जी, वो जैसे विंटर्स हैं तो आप थोड़ा सा ले सकते हैं। दीज आर वेरी गुड सोर्सेज ऑफ आयरन जी। और आयरन इंडिया में अगर हम देखें स्टेटस, तो आई थिंक 70-80% वीमेन का हीमोग्लोबिन लो होता है, आई थिंक बहुत ज्यादा, और उसके कारण वो अनीमिया रहता है, थकावट फील होती है, कमजोरी फील होती है, काम करने का मन नहीं करता, बहुत कॉमन। आप हर लेडी से बात करेंगे या यंग लड़कियों से बात करेंगे तो ये प्रॉब्लम आपको पता चलेगी, जिसकी एक बहुत सिंपल सी रेमेडी है कि आप अच्छा पौष्टिक खाना खाइए, खूब सारी हरी पत्ते वाली सब्जियां खाइए जी जी। फिर उसके बाद आती है एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो विमेन में आती है पोस्ट मेनोपॉज, वो आती है कैल्शियम एंड विटामिन डी डेफिशिएंसी। ओके, क्योंकि मेनोपॉज तक हमारी बॉडी कैल्शियम डेफिशिएंट नहीं होती है जनरली, अनटिल अनलेस किसी ने प्रेगनेंसी में या ब्रेस्ट फीडिंग में बहुत अच्छी डाइट नहीं ली है। मगर पोस्ट मेनोपॉज कैल्शियम अब्सॉर्प्शन जो है वो बॉडी में बहुत कम हो जाता है। okay. उसके कारण आपको ऑस्टियोपोरोसिस, जॉइंट पेन्स, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं जी जी। तो हमारे को एडिक्वेट कैल्शियम पूरी लाइफ में लेना चाहिए जी, कि हमारे बॉडी में रिजर्व्स इतने हों कि हमें मेनोपॉज के बाद 50 साल या 55 साल की उम्र के बाद कोई प्रॉब्लम ना आए जब हम मेनोपॉज हो हमारे में, और हमें ज़्यादा कि आप जनरली बात करेंगे अगर थोड़ी बड़ी एज की महिलाओं से, तो उनमें ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है जी, घुटने में दर्द, टांगों में दर्द, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके लिए आप डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, कर्ड, पनीर, ये बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। एग बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, आप ले सकते हैं। आप सी फूड अगर खाते हैं जी, फिश, ऑयस्टर्स वगैरह, वो बहुत अच्छा सोर्स है। देन अगेन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जी इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। दालें, बीन्स हमारी जो हैं जी, ये बहुत अच्छा सोर्स है। तिल, सेसमे सीड्स जी, तो आप सर्दियों के मौसम में तिल चक्री या तिल आप अपने खाने में किसी भी तरह से आप इंट्रोड्यूस, काला तिल, सफ़ेद तिल कोई भी डाल सकते हैं। बादाम जी, आप एक सुबह उठ के आप 4-5 बादाम भिगो कर रात को सुबह ले सकते हैं जी। दिस विल गिव यू बोथ आयरन एंड कैल्शियम जी। तो कुछ ये चीज़ें आप कोशिश कीजिए अपनी खाने में ज़रूर इंक्लूड कीजिए जी। जैसे मैम आपने नट्स की बात की, महिलाएं बहुत बार ऐसा करती हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। अगर देखिए उनको लगता है कि अगर हमारे लिए इतना बजट है, तो वो ज़्यादा कोशिश करती हैं कि वही चीज़ें हम अपने बच्चों को दे दें। वो आई थिंक ये हर महिला के साथ होता होगा कि वो अपने लिए इतना ध्यान नहीं देती हैं, वो चीज़ सोचते हैं कि चलो अगर दूध भी कहे कम है तो बच्चों को दे दिया, हस्बैंड्स को दे दिया, लेकिन अपने लिए वो नहीं ले पाती हैं। देखिए ये एक इंटेग्रल नेचर है एक औरत की कि वो नर्चरिंग है जी। मदर बनने की शायद इसीलिए भगवान ने जो वरदान दिया है वो औरत को दिया है कि औरत नर्चर कर सकती है जी। वो कैपेसिटी आदमी में नहीं है उतनी जितनी एक औरत में है जी। तो ये तो रहेगा, हम हमेशा अपने बच्चों को, अपने पति को, अपनी फैमिली को शायद अपने से आगे रखेंगे जी। मगर हमें ये रियलाइज करने की उसके साथ में ज़रूरत है कि अगर हम सेहतमंद रहेंगे तो हम उनका ज़्यादा ध्यान रख पाएंगे जी। तो आप
इसी ख्याल से अपना ध्यान रखिए कि आपकी सेहत अच्छी होगी तो उतना ज्यादा आप उनका ध्यान रख पाएंगे। जी, तो इसलिए समवेयर वी नीड टू बी अ लिटिल सेल्फिश एंड टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ्स, जो बहुत जरूरी है। हाँ, जो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम सेहतमंद हैं तो हम अपने परिवार को और ज्यादा समय दे पाएंगे और ज्यादा उनके अच्छा देखभाल कर पाएंगे। जी मैम, मैम एक चीज़ और जानना चाहूँगी मैं। आई थिंक आपने जैसे नट्स की बात की, बादाम की बात की, लेकिन अगर मान लीजिए कोई नट्स या नहीं ले पा रहा है, जैसे बादाम नहीं ले पा रहे हैं, तो क्या जैसे हमने सुना है क्या मूंगफली जो होती है ग्राउंडनट्स, क्या उसको भी भिगो के खाया जा सकता है? मूंगफली भी खाई जा सकती है, आयरन में बहुत रिच, उतनी कंपैरेटिवली नहीं है, बट यू कैन गेट। आपको महंगी चीज़ें ज़रूरी नहीं है जी, हम हरी पत्ते वाली सब्जियों की बात कर रहे हैं जी। आई थिंक सबसे सस्ती ये मिलती हैं मार्केट में जी। आप उसको एक अपनी डेली लिविंग में आप सिंपल चीज़ को भी मॉडिफाई कर सकते हैं जी। कहिए आप आलू का पराठा बना रहे हैं जी, हम जनरली उसमें थोड़ा सा धनिया काट के डालते हैं जी। आप उसकी जगह उसमें खूब सारी मेथी काट के डालिए, उसका फ्लेवर भी बढ़ेगा और वो अच्छा और वो न्यूट्रिशियस भी बनेगा। ऐसे ही आप थोड़ी छोटी चीज़ें सोचिए, सैलेड में आप कैबेज काट लीजिए, आप कुछ उसमें इनोवेशन कीजिए। तो थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे, सैंडविचेस में आप लेटस लगा सकते हैं, कैबेज लगा सकते हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ों में इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड आई थिंक उसमें क्रिएटिव होने की ज़रूरत है। घर में जैसे आप कहते हैं आप पकौड़े बना रहे हैं जी, आप उसमें खूब सारा पालक काट के डाल लीजिए, ओके, वो बहुत क्रिस्प पकौड़े बनेंगे और हेल्दियर हो जाएंगे जी। जी, तो उसी चीज़ को हम थोड़ा मॉडिफाई अगर कर लेते हैं तो उसी को हम ज़्यादा पौष्टिक बना सकते हैं जी मैम। एंड आई थिंक आजकल इंटरनेट फैसिलिटीज़ भी इतनी ज़्यादा है, तो आई थिंक महिलाएं जो हैं वो चेक कर सकती हैं और अब कैसे हमें हेल्दी डाइट लेनी है वो भी कहीं ना कहीं से देख सकती हैं। और क्या क्या, जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई, और क्या क्या फूड आइटम्स जो हैं वो एक महिला को लेने चाहिए? देखिए, एक और न्यूट्रिएंट जो मैं बात करूँगी जिसके बारे में, फॉलिक एसिड। ओके, स्पेशली ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव ईयर्स, जब एक औरत उस ईयर्स में होती है, जब वो माँ बनती है, उस ईयर में फॉलिक एसिड हमारे शरीर के लिए बहुत असेंशियल है, क्योंकि अगर वो बॉडी में कम होता है तो बच्चे में बहुत सारे बर्थ डिफेक्ट्स आ सकते हैं, ओके, जेनेटिक डिफेक्ट्स आ सकते हैं। तो फॉलिक एसिड इज़ वेरी असेंशियल, और नॉर्मल हमें खाने में ये बहुत सारा मिलता है, मगर अगर किसी में ये मात्रा कम है तो आप कुछ चीज़ें जैसे फ्लैक्स सीड्स आजकल आती हैं जी, वो आप ले सकते हैं। अलसी जिसको बोलते हैं फ्लैक्स सीड्स, अलसी जो है ये जॉइंट पेन्स, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए भी बहुत अच्छी है, ओके, उसमें भी आप ले सकते हैं। देन आप अपने खाने में, महिलाओं से मैं कहूँगी कि सोयाबीन की ज़रूर क्वांटिटी लीजिए। अगर आपको थायराइड है तो आपको सोयाबीन अवॉइड करना चाहिए जी। उसके अलावा अगर है तो आप सोयाबीन, स्पेशली जो वेजिटेरियन महिलाएं हैं, क्योंकि सोयाबीन इज़ द बेस्ट क्वालिटी वेजिटेरियन प्रोटीन जी, तो वो आप ज़रूर लीजिए। और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है आपके मेंस्ट्रुएशन के ड्यूरिंग जो सिम्टम्स आते हैं उनको ईज आउट करने में, मेनोपॉज के टाइम पे ये आपको काफ़ी प्रॉब्लम से बचाता है। देन इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ अगेन कैल्शियम। तो प्रोटीन्स, कैल्शियम, आयरन, ये ज़रूर अपनी मात्रा में पूरी लीजिए, क्योंकि हम, जैसे हमने पहले बात किया, पूर्वा आपने भी कहा इस बारे में, फीमेल्स अपने पे कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं जी। जी, हमें अगर दाल सब्जी हमने बनाई है, हमें लगता है दाल थोड़ी सी कम है, तो बच्चे को हम दोनों चीज़ें दे देंगे और हम बोलेंगे कि हम कोई बात नहीं, हम खाली सब्जी के साथ खा लेंगे, या हम सूखी रोटी भी, और महिलाएं खाने को तैयार हो जाती हैं, थोड़ा सा अचार ले लेती हैं। पर हमें ये जानना ज़रूरी है कि जितनी वो चीज़ें उनकी सेहत के लिए, बच्चे के लिए ज़रूरी है, उतनी ही हमारे लिए भी ज़रूरी है जी। हमें भी अब कैलोरीज, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, हर चीज़ उपयुक्त मात्रा में चाहिए ताकि हम सेहतमंद रह सकें जी। जी, एंड आई थिंक ये कहीं ना कहीं मैम इनडायरेक्टली हर चीज़ को लिंक करता है। आप सेहतमंद रहेंगे तो आपके बच्चे सेहतमंद रहेंगे, और आने वाली जनरेशन जो हैं वो सेहतमंद रहेगी, और जो हमारा देश है, हमारा भारत देश है, वो भी सेहतमंद हेल्दी रहेगा। तो मैम एक चीज़ और, जैसे हम आज पंजाब यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, तो हम डेफिनेटली यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ के जो गर्ल्स हैं, उनके बारे में भी आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। वो हॉस्टल्स में रहती हैं ज़्यादातर, तो ऐसे में वो अपनी डाइट को, एक हेल्दी डाइट को कैसे मेंटेन कर सकती हैं? देखिए, हम कोशिश करते हैं कि हॉस्टल्स में बच्चों को एक बैलेंस डाइट दें जी। तो हम बीन्स, दालें सारी हमारे हॉस्टल्स में बनती हैं, सीजनल वेजिटेबल्स हम कोशिश करते हैं कि हॉस्टल्स में बने, ब्रेकफास्ट में परांठा या सैंडविच जैसे भी बच्चे हैं। एक थोड़ा सा बच्चे अगर अपनी डाइट में फ्रूट्स को ऐड कर लें,
तो वो उनके लिए बहुत अच्छा है जी। क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सी कमी हमारे शायद रह जाती है क्योंकि कुछ हमारे प्राइसिंग की प्रॉब्लम है जो है जी। तो फ्रूट्स उनको अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, सैलड्स उनको ज़रूर खाने चाहिए, जितने अवेलेबल हैं जो हैं वो ज़रूर खाने चाहिए। देन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो मेरा एक्सपीरियंस है जी, कि बच्चे बहुत कीन नहीं होते हैं खाने के लिए हरी पत्ते वाली सब्जियाँ, मगर टेस्ट को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके सेहत का अगर हम ध्यान दें तो विटामिन ए आप जितना खाएंगे जी इस एज ग्रुप में, और विटामिन ए के सबसे अच्छे सोर्सेज हैं येलो एंड रेड फूड्स। ओके, तो जैसे आम आजकल आ रहे हैं, जितने भी रेड एंड येलो फूड्स आते हैं, टमाटर भी, टमाटर आता है, देन पपीता इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए, तो आप ये अपने खाने में इंक्लूड कीजिए। इवन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स गिव यू अ लॉट ऑफ विटामिन ए जी। तो जी वो वहाँ पे मैं कहूँगी कि बच्चे कई बार बहुत पर्टिकुलर नहीं होते हैं और उनको टेस्ट बहुत कि हम पालक नहीं खाते हैं, हम साग नहीं खाते हैं, तो वो ज़रूर उनको खाना चाहिए, आयरन रिच है तो वो उनको ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। सोयाबीन हमारे हॉस्टल्स में बनता है पर मैंने देखा है काफ़ी बच्चे उसको नहीं खाते हैं टेस्ट तो की वजह से। हाँ, तो मैं ये बोलूँगी कि ज़रूर उसको एक टेस्ट डेवलप कीजिए उसके लिए जी। अगर आप सोयाबीन दाल की फॉर्म में नहीं खाना चाहते हैं, हम न्यूट्री की फॉर्म में भी उसको बनवाते हैं कई बार, हफ्ते में एक बार, कई बार दो बार, क्योंकि वो बहुत अच्छा है बच्चों के लिए जी। तो जी वी ट्राई टू इंक्लूड ऑल दीज थिंग्स इन आवर डाइट, एंड अच्छा खाना खाइए और उसके साथ थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए। क्योंकि मेरे पास आजकल बहुत बच्चे आते हैं जी जिनको पीरियड्स की प्रॉब्लम है, इरेगुलर पीरियड्स, पेन इन पीरियड्स, बहुत सारे बच्चे आते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, वेरियस प्रॉब्लम्स, उसमें हर जगह पे गायनेकोलॉजिस्ट उनको बोलती हैं कि आप अपने वेट को कंट्रोल कीजिए। तो वेट कंट्रोल करने के लिए दो चीज़ें असेंशियल हैं, एक तो अच्छा खाना जी, जिसमें बहुत फैट्स ना हो, बहुत शुगर्स ना हो, दूसरा थोड़ी सी एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, इसका अगर आप कॉम्बिनेशन करेंगे तो ज़रूर आपको हेल्प करें जी। आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैम, जैसे आपने बोला कि डाइट के साथ साथ एक फिजिकल एक्सरसाइज करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जितने भी गर्ल्स पीयू में रहती हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में रहती हैं, आई थिंक यहाँ पे सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं, आपको एक हेल्दी डाइट दी जाती है, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, चाहे डिनर हो। लेकिन अगर मान लीजिए बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपकी मनपसंद चीज़ नहीं बनती है लेकिन वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, तो ऐसे में कई बार आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं अपने टेस्ट के साथ। आपको पता है जब वो चीज़ अच्छी है तो बिना टेस्ट के भी आप वो चीज़ें खा सकते हैं। तो ऐसे ही हेल्दी डाइट के लिए, आपको सेहतमंद अगर रहना है तो हेल्दी डाइट जो है वो आपको लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैम, हमारे जितने भी लिसनर्स हैं, खास करके महिलाएं जो ये प्रोग्राम सुन रही हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे वो अपना ध्यान रखें, और जितनी भी यंग गर्ल्स हैं उनको भी आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मेरी पहली सबसे यही गुजारिश है कि आप अपनी सेहत का ध्यान ज़रूर रखिए जी, अपने को समय ज़रूर दीजिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज और हेल्दी ईटिंग। एक मैं चीज़ कहूँगी, स्प्राउट्स अगर महिलाएं खा सकें जी तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि स्प्राउटिंग में न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मल्टीफोल्ड इंक्रीज हो जाते हैं किसी भी खाने में। ओके, तो दालें जो हम पुंघारते थे, हमें शायद खाने के लिए बहुत ज़्यादा अपनी रूट्स पे वापस जाना चाहिए जी, क्योंकि हमारी जो पुरानी ट्रेडिशनल कुकिंग थी वो बहुत न्यूट्रिशियस थी जी, तो अगर हम जंक फूड से थोड़ा दूर रहेंगे और अपनी पुराने दादी या नानी की रेसिपीज की तरफ जाएंगे तो आई थिंक हम ज़्यादा हेल्दी ईटिंग कर पाएंगे जी, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए और थोड़ा सा समय निकालिए, थोड़ी सी टाइम मैनेजमेंट ऐसी कीजिए कि आप खुद के लिए भी समय निकाल पाएं, खुद पौष्टिक खाना खा सकें जी। जी, थैंक यू सो मच मैम, आई थिंक आपने एक मैसेज के द्वारा सभी चीज़ों को इतने बांध कर, इतने सांझ कर हमारे सभी लिसनर्स को आपने बता दिया।